5 दिन लगातार बारिश हुई और 5 दिन के बारिश में ना देखो यहाँ पे क्या ही फ्लड आ गया। मॉनसून में राइड करने का मजा अलग ही रहता है यार, मतलब कि बाइक उठाओ और ट्रैवल करना शुरू करो मॉनसून में। मतलब ऐसा फ्लड मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, पानी की आवाज सुनो एक बार। कहना चाह रहा हूँ कि देखो अब कभी भी बारिश आ सकती है, ठीक है, तो रोज रोज ऐसी मतलब कि निकला जाएगा नहीं। और तो बारिश हो जा रही थी शुरू, और बाकी अभी आप लोगों को दिख रहा है सामने की तरफ, मतलब बारिश हो गई है यहाँ पे शुरू एकदम। बाकी बारिश तेज हो रही और जो बारिश की एकदम बूंदे पड़ रही ना भाई, हाथों में ऐसी लग रही जैसे कोई वो कील चुबा रहा कोई। ये जो ये एरिया दिख रहा है मिट्टी वाला, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, पूरा का पूरा ना कवर हो जाएगा और एकदम से ना मतलब यहाँ पे अलग ही नदी बहेगी, मतलब फ्लड की नदी बहेगी काफी खतरनाक। ये पर थोड़ा अलग अलग लोकेशन की आएगी, आज भी कहीं जाना था मतलब कि पहाड़ वाली साइड जाना था, पर मतलब कि 5-6 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मैं एक हफ्ते बाद ब्लॉग शूट करने के लिए निकला, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपना मतलब कि नदी वगैरह में जाना छोड़ दो बिल्कुल। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो बाकी मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मतलब कि अब मॉनसून आने वाला है और मॉनसून आ चुका है, तो मॉनसून आ चुका है तो हम भी आ चुके हैं। और बाकी हम अगर आए हैं तो हम आए पूरा एक हफ्ते बाद। जो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा था वो था मतलब कि पिछले महीने का था, ठीक है, जून का था, और मतलब कि जितने भी गर्मियों से रिलेटेड वीडियो थी वो पिछले साल ही एंड हो गई थी। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि अब से मतलब कि मतलब वीडियो आएगी, ठीक है, कोई लोकेशन की आएगी, कोई स्पॉट की आएगी, ठीक है, पर नहाने वाली नहीं होगी वो। अब से मतलब कि थोड़ी जो वीडियो है वो थोड़ी चेंज होने वाली है कि मतलब कि पहाड़ों में हो रही है ज़ोरदार बारिश, तो अभी थोड़ा पहाड़ों में जाना थोड़ा बेकार भी है क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह भी हो रहा है, और उसका एक एग्जांपल मैं आज आप लोगों को अभी दिखाने जा रहा हूँ। भाई देखो, देहरादून में मॉनसून आ चुका है भाई, काफ़ी खतरनाक मौसम हो रखा है और काफ़ी खतरनाक व्यू देखने को मिल रहा। पर इसमें ना एक चीज़ अच्छी है, जब मतलब कि मॉनसून में जब बारिश होती है 3-4 लगातार दिन, ठीक है, उसके बाद जब धूप निकलती है तो क्या ही व्यू अलग देखने को मिलता है यार क्या। तो कुछ लोग ना ये भी सोच रहे होंगे कि जब आगे मतलब कि बारिश वाला मौसम हो रखा है तो आगे क्यों जा रहा है। देखो मैं आप लोगों को पहले बताया कुछ चीज़ कुछ स्पॉट एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। वैसे तो देखा काफ़ी सारे लोगों ने, पर मैं दिखाऊंगा अपनी तरफ से। और बाकी अगर सामने का एक बार मौसम देखे तो भाई काफ़ी खतरनाक हो रहा है, देखो उधर की तरफ ना क्या ही मौसम हो रखा। तो बाकी काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि मतलब कि चलो रेनकोट है रेनकोट पहन लेगा, नहीं, रेनकोट तो मैं पहले से ही पहन के आ रखा हूँ। तो हमेशा 2 कदम आगे चलो, जैसे मेरे को बताया कि अभी बारिश आने वाली है तो मैं रेनकोट पहन के आ गया हूँ, तो बस फिर बारिश अगर आएगी तो मेरा बारिश कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो रायपुर के चौक तो मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ से मेरे को जाना है इधर राइट साइड थानों की तरफ जाऊँगा मैं, इधर नहीं जाऊँगा मैं मालदेवता, क्योंकि देखो यहाँ पे तो नॉर्मल है, ठीक है, पर मेन दिक्कत क्या है, जैसे मतलब कि बारिश वगैरह होती है ना मॉनसून, तो मालदेवता का रास्ता बंद कर देते हैं। और देखो यहाँ पे बैरिकेड अभी नहीं लगाया क्योंकि मतलब कि आगे ना ज़्यादा फ्लड नहीं आया होगा, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी बात नहीं है, गंदी गलत बात नहीं है, मैं इतना कह रहा हूँ कि देखो मालदेवता के मार्केट से पहले ना एक चौकी पड़ती है, वहीं पर मतलब ना बैरिकेड वगैरह लगा देते हैं पुलिस वाले, और फिर ना वहीं पर पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, और जिसकी दुकान या जिसका घर है ना आगे सिर्फ उनको ही जाने देते हैं आगे, मतलब कि फालतू ना किसी को जाने देंगे नहीं अभी, मतलब जब तक देखो अभी मानसून ना स्टार्ट हुआ है तब मतलब पूरा बंद कर देंगे थोड़ा, मतलब कि अगस्त में खोलेंगे तब हल्का हल्का, अभी नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी। तो फिर मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूँ अभी मालदेवता साइड, तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ थानो साइड जा रहा हूँ। और अभी मैं आप लोगों को क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आप लोगों को मतलब कि देखो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पर इतना है काफ़ी मतलब कि इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे मतलब कि काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता तो मेरी वीडियो से मतलब कि काफ़ी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी वो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। देखो जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आया था वो लोग वो चीज़ तो अभी देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पर सामने का एक बार ना व्यू देखो यार क्या ही बढ़िया लग रहा है। ग्रीनरी वैसे होती काफ़ी अच्छी है यार, वहाँ देखो ज़रा क्या ही बढ़िया व्यू लग रहा है देखने में। पर मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाने नहीं लाया हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आया हूँ ये चीज़ ज़रा, ये देखो देखा मतलब 5 दिन लगातार बारिश हुई और 5 दिन के बारिश में ना देखो यहाँ पे क्या ही फ्लड आ गया, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है, इतना भी नहीं है, पर अभी देखो जैसे जैसे मॉनसून शुरू होगा ना वैसे ही वैसे यहाँ पे ना एकदम फ्लड बढ़ जाएगा। और जितना आप लोगों को दिख रहा है ये जो ये एरिया दिख रहा है मिट्टी वाला, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, पूरा का पूरा ना कवर हो जाएगा और एकदम से ना मतलब यहाँ पे अलग ही नदी बहेगी, मतलब फ्लड की नदी बहेगी काफ़ी खतरनाक। और देखो यहाँ पे तो इतना हो रखा, ठीक है, जहाँ मतलब कि मेन जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ तो मतलब कि इससे डबल होगा। और वो पानी कहाँ से आ रहा है, मतलब कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि मालदेवता की थी, जहाँ पे मैं गया था और बारिश आ गई थी, ये पानी वहीं से आ रहा है, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे इतना पानी, इतना फोर्स है पानी का और इतना पानी आ गया तेज, तो वहाँ का सीन सोचो मतलब कितना होगा। तभी मतलब कि मालदेवता ना पुलिस जाना बंद कर देती है, मतलब बैरिकेड वगैरह लगा देती है उस टाइम कि आगे जाना नहीं है बिल्कुल भी। देखो उस साइड से ना ज़्यादा ना फ्लड मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, पानी की आवाज़ सुनो एक बार, देखा कितनी लाउड आ रहा है, मतलब कितना लाउड आ रहा है यहाँ पे कितना लाउड। और बाकी देखो उधर की तरफ भी नदी बह रही है, मतलब पानी आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपना मतलब कि नदी वगैरह में जाना छोड़ दो बिल्कुल, जैसे मैंने छोड़ दिया, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वीडियो लास्ट रहेगी अब।
तो चलो फिर चलते हैं यहाँ से। बाकी अब बारिश होने लगी है धीरे धीरे, ये देखो जरा, ये देखा पूरे मतलब बारिश की ना बूंदे पड़ी हुई यहाँ पे। जब तक मैं यहाँ पे शूट कर रहा था तब तक बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की। तो अब चलते हैं यहाँ से। बाकी आप लोगों को फ्लड देखो मतलब कि दिख रहा है सामने अभी कितना आ रहा है, ठीक है। और आप देखो आना बेकार ही है इस जगह। बाकी आप लोगों को फ्लड में मतलब आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है। देखो देखो रोज ना यही चीज़ हो रही थी। जैसे ही मैं घर से निकल रहा था ना, दो दिन जब मैं घर से निकला, मैंने कहा चलो चलते हैं आज ब्लॉग शूट करने, तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम जैसे मैं निकल रहा था। तो बारिश हो जा रही थी शुरू, और बाकी अभी आप लोगों को दिख रहा है सामने की तरफ मतलब बारिश हो गई है यहाँ पे शुरू एकदम। और लेंस पूरा मतलब कि कवर हो चुका है, तो ये साफ करते हैं यार पहले। बाकी भाई इधर साइड का अगर व्यू की बात करें हम लोग, क्या ही व्यू दिख रहा है, क्या ही व्यू दिख रहा है भाई। मानसून में व्यू काफ़ी अच्छे आते हैं यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। देखो मानसून में राइड करने का मज़ा अलग ही रहता है यार, मतलब कि बाइक उठाओ और ट्रैवल करना शुरू करो मानसून में। मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं भी कूद जाओ, ऐसी जगह कूद जाओ, ऐसी जगह नहीं बोल रहा हूँ, मतलब प्लेन रूट पे अगर राइड वगैरह करो, ठीक है, ऐसी ट्रैवल करो तो काफ़ी मज़ा आता है यार, मतलब कि बारिश के टाइम पर भी। और एक मतलब कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है यार बारिश के टाइम पर अगर राइड करो ना, एक अलग ही एक्सपीरियंस है यार। यहाँ पर बारिश तेज़ हो रही, हाँ ये तो है, बारिश तेज़ हो रही है यहाँ पर। तो कैमरा तो मैं, हेलमेट तो मैं निकाल नहीं पाऊँगा यहाँ पर, अब सिर्फ ऐसे लेंस ही साफ कर पाऊँगा तभी आप लोगों को क्लियर दिख पाएगा। बाकी बारिश तेज़ हो रही, और जो बारिश के एकदम बूंदे पड़ रही ना भाई, हाथ तो मैं ऐसी लग रही जैसे कोई वो कील चुबा रहा, कोई बड़ी तेज लग रही यार। अब क्या दिखाने आया था और क्या दिख गया, मैं तो दिखाने आया था आप लोगों को फ्लड, और फ्लड के साथ साथ मेरे को बारिश भी देखने को मिल गई। चलो अच्छा है मैंने रेनकोट पहले पहन लिया था, तो मेरे को कहीं भी बीच में रुकना नहीं पड़ा बिल्कुल भी, और ना मैं अब रुकूंगा सीधा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे और फिर वहीं से यू टर्न मार के वापस चलेंगे घर की तरफ, पर बारिश तो रुक जाए पहले। और अभी जब मैं आ रहा था आप लोगों ने तभी व्यू देख लिया था, कैसा चल रहा था व्यू। अभी मैं इधर से आया हूँ, इधर की तरफ थानो है अपना, और बाकी आप लोगों को व्यू दिख रहा है पूरा कैसा हो रखा है। और ये देखो जरा मतलब पूरा जो टोटली व्यू है ना, टोटली व्यू मतलब कि देखो बारिश वाला हो रहा है, देखो टोटली जो व्यू है देखो, जैसे अभी हुई ना रास्ते में एकदम से अचानक से, तो वैसी मतलब कि बारिश अब कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। पहाड़ों में तो देखो चलती रहेगी बारिश, तो ठीक है। पहाड़ों में मतलब कि मेरे को जाना था थोड़े बहुत, मतलब कि एक्सप्लोर कर रहा था, मतलब कि नई नई लोकेशन दिखाने आप लोगों को, पर थोड़ा मतलब कि एक दो दिन रोकना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मतलब कि एकदम से बारिश हो रही ना, तो ऐसा जाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो बाकी फिर इस वाली वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि मतलब कि गर्मियों से रिलेटेड जितनी मैंने वीडियो दिखाई है, जितनी मतलब कि लोकेशन आप लोग जानते हो वहाँ पे जाना छोड़ दो, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, देखो अब मानसून शुरू हो गया, ठीक है, तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा ना तो मैं वैसे ही वीडियो शूट कर पाऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मतलब रोज़ निकल पाऊंगा, और मतलब कि रोज़ देखो ऐसा मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकता हूँ। नहाने वाली लोकेशन दिखाई सिर्फ जो कि गर्मियों से रिलेटेड थी, अब मतलब कि मानसून आ गया, इसके बाद फिर सर्दी आएगी, तो मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी जगह घुमाने वाला हूँ जहाँ पे मतलब कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी घूम सकते हो। तो बाकी उस व्लॉग को इंतजार करना, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखो अब कभी भी बारिश आ सकती है, ठीक है। तो रोज़ रोज़ ऐसी मतलब कि निकला जाएगा नहीं, और रोज़ रोज़ मतलब कि सिर्फ इधर से उधर मैं घूमूंगा, तो उसमें मतलब आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा। आप लोग इस चैनल पे देखो लोकेशन के लिए आए हो ना, तो आप लोगों को मैं लोकेशन वाला व्लॉग दिखाऊंगा। तो बाकी देखो अभी जैसे मतलब कि दो दो दिन का गैप चल रहा था, तो उस टाइम मतलब कि थोड़ा एडिटिंग में दिक्कत हो रही थी करने में, पर अभी यही चलेगा। मतलब कि जैसे जैसे मानसून आएगा तो वैसे मतलब कि मैं व्लॉग शूट करने निकल भी नहीं पाऊंगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, मतलब इन्फॉर्मेशन तो दो थी, एक तो मतलब कि मानसून के बारे में बताना था, और दूसरा ये है कि अपने बारे में बताना था कि जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो वैसे वैसे मतलब व्लॉग आ जाएंगे, ठीक है। व्लॉग रुकेंगे नहीं, अगर अभी देखो मैं हफ्ते में कितने व्लॉग डाल रहा हूँ, तीन या चार व्लॉग डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए मानसून आएगा ना तो मानसून हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, तो हफ्ते में सिर्फ दो तीन व्लॉग आएंगे मुश्किल से। तो थोड़ा अभी मानसून में चला लेना, दो महीने की बात है, जुलाई तो आ गया है, अगस्त तक बात है, सितंबर में वापस दोबारा से अपना या तो डेली करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि डेली करते हैं, और या तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब कि जो एक दिन का गैप था वही कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल तो मतलब दो महीने सिर्फ इतना है कि एक हफ्ते में तीन ब्लॉग आएंगे सिर्फ, अगर बारिश ना हुई तो, ठीक है। तो बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी इस वाले ब्लॉग को मैं यही पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसके बाद मेरे को कहीं नहीं जाना, ठीक है, मेरे को यहाँ से घर जाना है। और मैं आप लोगों को सिर्फ यही दिखाना आया था कि नदियों में फ्लड कितना तेज़ आ रहा है, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो बाकी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये मेरे को जरूर बताना। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, जितने भी नए लोग तो सब्सक्राइब बटन, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग पे, तब तक गुड बाय, जय हिंद। अरे भयंकर बेटा, इंडिकेटर गलत दे रहा तू, एकदम दे रहा इंडिकेटर भयंकर। ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती है रास्ते में, तो चलो इन सब चीज़ों को इग्नोर मार के हमें सीधा अपने पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ बताई मैंने आप लोगों को।